हाय दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सीग्रम्स का रॉयल स्टैग डिलक्स विस्की, स्कॉच मॉल्ट से बना हुआ। इसका रिव्यू मैं करने वाला हूँ। अ फाइन ब्लेंड ऑफ इम्पोर्टेड स्कॉच मॉल्ट एंड अ स्पेशली सिलेक्टेड इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स। ओके, ये मुंबई महाराष्ट्र में 340 रुपीज़ का आता है, 375 ml, यानी कि हिंदी में इसको हाफ बोलते हैं। 375 ml का है और 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और 75% प्रूफ के साथ ये अल्कोहल है। चलिए इसको खोलते हैं और नोज़ करते हैं और देखते हैं पैलेट पे क्या पता चलता है इसके बारे में। पता है मुझे कि ये वीडियो देखने के बाद कुछ मेरे व्यूअर्स है जो बोलेंगे कि पहली बार तो एक भरी हुई बोतल का रिव्यू हो रही है, नहीं तो हमेशा आधी पी हुई बोतल की रिव्यू होती है। हाँ दोस्तों, बात तो सही है। चलिए अभी आपको दिखाता हूँ मैं। कलर देख सकते हैं आप, एम्बर कलर विस्की है। इसमें आर्टिफिशियल कलर यूज़ किया गया है दोस्तों, ये नेचुरल नहीं है। और इसमें भी मोलेसेस होती है, ये प्योर स्कॉच नहीं है। तो नोज करते हैं। बहुत ही स्ट्रांग है, एक स्ट्रॉन्ग सा स्पिरिट नोज में आ रहा है। बहुत थोड़ा थोड़ा स्मोकी नोट्स मिल रहे हैं। चलो देखते हैं पैलेट्स में क्या बता रहा है। स्ट्रॉन्ग तो है पर कैरेमल जैसा टेस्ट आ रहा है, स्मोकी भी है एंड हनी नोट्स थोड़े थोड़े है इसमें। एंड बर्न हो रहा है लेकिन उतना बर्न नहीं हो रहा है जितना अदर विस्कीज में होती है इसके लोअर लेवल में, उतना बर्न इसमें नहीं हो रहा है। बर्न तो है, बर्निंग इफेक्ट। एक बार थोड़ा और ट्राई करता हूँ। नीट तो इसको पी सकते हैं पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसमें। आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा अगर आइस क्यूब्स और थोड़ा कोल्ड वाटर ऐड कर देंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। और ये बैरल सिलेक्ट से तो बहुत ही अच्छी है। बैरल सिलेक्ट भी मैं पिया हूँ लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी लगती है और काफ़ी हैंगओवर हो जाता है, लेकिन ये वैसा नहीं है। ये काफ़ी उससे बैरल सिलेक्ट से काफ़ी स्मूथ है और अच्छी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे।